द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश भर में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसका इतिहास बेहद गंदा है और यह कोई और नहीं, बीजेपी का बेहद करीबी और एनडीए का ही विधायक है जो पहले भी जेल जा चुका है। और इस बीच जब नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में जोर पकड़ा हुआ है, तो इस बीच इस विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह खुले तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मैंने ही पेपर लीक कराए हैं और वो बहुत आसानी से ये काम करता रहा है। इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएं। बस यह समझ लीजिए कि यह एनडीए का विधायक है, बीजेपी का चहेता है और ओम प्रकाश राजभर पार्टी का विधायक है, बेदीराम नाम है इसका। कांग्रेस ने इसके बारे में एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। तो पहला क्लिप आप जरा देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं एनडीए के इस विधायक पर, उसमें कितना दम है। पेपर लीक का सरगना है यूपी के इस विधायक का नाम बेदीराम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदीराम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। तो देखा आपने, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का करीबी भी है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि जब यह पूर्व में जेल भी जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी का चहेता भी बना हुआ है, पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने इसे सरगना भी बताया है, तब भी बेदीराम के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है अभी आप सुनिए, इसमें साफ तौर पर खुद उस विधायक के मुंह से सुनेंगे कि वो कबूल रहा है कि हाँ, मैंने पेपर लीक करवाया है, मैं करवाता रहता हूँ, ये इनका इतिहास है और इस चक्कर में जेल भी गए हुए हैं। जरा सुनिए यहाँ पर ये बीजेपी के संरक्षण में पल बढ़ रहा यह विधायक कितना कांड करता है, सुनिए। एनडीए विधायक बेदीराम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला टेंशन हुआ है, वही वाला क्या? वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक बार के लिए मैं 40-50 कराता हूँ। बेदीराम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। तो सुन लिया आपने, अब यहाँ से हम न्यूज 18 की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जिसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए दावों के आधार पर यहाँ भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। दरअसल एनडीए विधायक पर इतने गंभीर आरोप इसलिए भी लगने जायज हैं क्योंकि इनका इतिहास भी रहा है, ये ऐसा कांड करते रहे हैं। और जब एनडीए पर यह आरोप लग रहे हैं और साथ में पेपर लीक है, तो आप समझ सकते हैं एक और यहाँ शिक्षा मंत्री फंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ऐसे ऐसे चहेते भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने क्या रिपोर्ट प्रकाशित की है, क्या कहा जा रहा है, ये समझना जरूरी है। हेडलाइन देखिए, कहा जा रहा है कि पेपर लीक केस में फंसे राजभर के विधायक बेदीराम नौकरी लगवाने की कर रहे डील, वीडियो वायरल। अब जब ये इस तरीके का कांड करेंगे तो भाई वायरल तो होंगे, सो वायरल हो गए हैं। रिपोर्ट क्या कह रही है ये भी देखना जरूरी है। सबसे गंभीर बात यह है कि न्यूज 18 के मुताबिक कि ये कई बार जेल जा चुके हैं पेपर लीक करवाने के चक्कर में, और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनकर सामने आते हैं, यह भी कमाल है। यहाँ न्यूज 18 ने लिखा है, गाजीपुर से रिपोर्ट है कि पेपर लीक मामलों में दो बार जेल जा चुके बिहार के पटना निवासी ब्रजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम का नाम लेते हुए 69 प्रदेश में पेपर लीक माफिया बताया है। बेदीराम गाजीपुर जनपद की जखनिया विधानसभा के विधायक हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके बिजेंद्र गुप्ता द्वारा उन पर बड़ा आरोप लगाकर यहां प्रदेश की सियासत में कहा जा रहा है कि वो हड़कंप मचा रहे हैं और सियासत को हवा दी है। सुभाषपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक रुपये लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए दिखाई भी पर रहे हैं। मतलब जो पहले कई बार जेल जा चुके उन्होंने राजभर के विधायक का नाम लिया, और इस विधायक का जो खेल है, कांग्रेस का कहना है कि इस खेल में वो पहले पकड़े जा चुके हैं और इस वक्त जब उन्हें पेपर लीक माफिया करार दिया गया, तो समझिए कि यह कितना गंभीर मामला है और कितना गंभीर आरोप भी लगा हुआ है।
जो वीडियो क्लिप अभी आपने सुना था खबरों की शुरुआत में, उसमें क्या कहा गया था जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ न्यूज 18 ने लिखा है, वायरल वीडियो में सुभाषपा विधायक बेदीराम नौकरी दिलाने और पेपर लीक पर डील करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पेपर लीक पर डील कर रहे विधायक बेदीराम पैसों के लेन देन की बात भी करते नजर आ रहे हैं। विधायक बेदीराम नौकरी के नाम पर क्या कर रहे हैं ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लिखा हुआ भी है कि विधायक बेदीराम नौकरी लगाने की भी डील कर रहे हैं। इस दौरान बेदीराम कह रहे हैं कि वो छोटा काम नहीं करते, वो बड़े बड़े काम करते हैं। वो परीक्षाओं में अंदर से सब सेट करने का भी दावा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो कह रहे हैं कि मेरा काम यूपी के अलावा दूसरे राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में भी होता है। फिलहाल वायरल वीडियो के समय स्थान की पुष्टि नहीं हो पाई है। पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता ने भी पेपर लीक मामले में बेदीराम का नाम लिया है। तो बेदीराम बहुत बड़े खिलाड़ी निकले भाई, और सबके चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ हों, सब इनको अपना खास मानते हैं। और ये खास कितना कांड कर सकता है, शिक्षा माफिया है, पेपर लीक माफिया है, ये इतना बड़ा सरगना है जिसकी पोल खुलनी तो बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर लीक, खासकर नीट पेपर लीक कांड में इनका नाम आ रहा है तो इन पर कार्रवाई बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। और इनके वीडियो में साफ तौर पर बातें स्वीकार्य करते हुए दिखाई पड़ती हैं। हाँ भाई, खेल तो हम करते रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि विधायक बेदीराम वीडियो में कह रहे हैं कि मैं एक बार में 40-40 भर्ती कराता हूँ। वीडियो के सामने आने के बाद पेपर लीक मामलों में कुख्यात विजेंद्र ने बेदीराम के काले इतिहास को मीडिया के सामने रखा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन भैया, पुष्टि करें या ना करें, वीडियो तो वीडियो है। अभी से कोई थोड़ी ना कहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे सीन क्रिएट कर दिए जाते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ा खेल है और इस खेल में साहब पकड़े जा रहे हैं। अब हमने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी 2014 में, इन्हें अरेस्ट किया गया था इनके इसी कारनामे को लेकर, और अरेस्ट करने वालों में एसटीएफ की टीम थी। यहाँ कहा जा रहा है कि 2014 में बेदीराम को यूपी एसटीएफ ने रेलवे भर्ती पेपर लीक के मामले में लखनऊ के आशियाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। बेदीराम का नाम एक और परीक्षा के पेपर लीक मामले में सामने आया था। बेदीराम उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी माने जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के ही तो हैं भैया, करीबी क्यों नहीं माने जाएंगे। खेल खुल गया है तो पकड़े गए हैं। वैसे भी यूपी में पेपर लीक का कांड आप जानते हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। बिहार में भी लीक कर दिए जाते हैं। यह सिस्टम छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में सबसे आगे काम कर रहा है। और ऐसे में इन विधायक हों, सांसद हों, जिन पर भी आरोप लगे, पुलिस अच्छे से इंटरोगेट करे और उन्हें सजा दिलाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।